नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। मिड डे मील के खाने में कीड़ा निकलने से हुआ बवाल, अभिभावकों और मिड डे मील प्रभारी के बीच घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। शहर के बीचों बीच खंजड़पुर में भवानी कन्या मध्य विद्यालय अवस्थित है, जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहाँ उन्हें मिड डे मील का खाना दिया जाता है, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे, अगर यह खाना आपको या आपके बच्चों को दे दिया जाए तो शायद यह भोजन न ही आप खाएंगे और न ही अपने बच्चों को भी खाने देंगे। आए दिन मिड डे मील की हंगामेदार कहानी चलती आ रही है। आज भी खंजड़पुर स्थित भवानी कन्या मध्य विद्यालय के बच्चों के भोजन के थाली में कीड़ा निकला। जब बच्चे मिड डे मील के प्रभारी या शिक्षक से कहने जाते हैं तो उन्हें कड़े शब्दों में शांत करा दिया जाता है। खाने की गुणवत्ता की शिकायत नहीं करना, नहीं तो सजा मिलेगी। अब लाचार बच्चे क्या करें, कीड़े वाले खाना खाएं या फिर उन पदाधिकारियों और प्राचार्य की शिक्षकों की बात माने। जब बात नाक से ऊपर चली गई और बच्चों ने जब अभिभावक को यह बात बताई तो अभिभावक दर्जनों की संख्या में स्कूल पहुंच गए और घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अभिभावकों का कहना था कि मेरे बच्चे यहाँ से मिड डे मील की प्रत्येक दिन शिकायत करते हैं कि खाने में कीड़ा निकल रहा है, खाना बिल्कुल खराब दिया जाता है, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी बच्चों को जबरन मना करते हैं, यह कहाँ तक सही है। मौके पर मिड डे मील प्रभारी पल्ला झाड़ते दिखे। वहीं स्कूल की प्राचार्या ने इसे जल्द से जल्द मिड डे पदाधिकारियों को सुधारने की बात कही। प्रॉब्लम ये है, बात समझिए, खाना कहाँ निकला, थाली में निकला, हाँडी में निकला, ठीक है, देखा बात रहता है, अंदर में ऊपर में खाना रहता है। वहाँ बच्चों द्वारा बताया गया कि बच्चों को खाना में कीड़ा मिला, तो हम लोग आए देखे। आज का खाना सभी गार्जियन के बीच में भी अभिभावक ने खुद से देखा, कोई कीड़ा नहीं मिला है, बता रहे हैं कि पहले मिला है, लेकिन आज का खाना में कोई कीड़ा वगैरह नहीं मिला है। अपना परिचय है, लेकिन खाना रेगुलर अच्छे से बनता भी नहीं है। चावल जो बनता है सही से धोया नहीं जाता, महकता है, बच्चे इसलिए खाना नहीं खाता स्कूल में, रोज दोपहर को खाना खाने के लिए घर चल जाते। जितना बच्चा है क्वांटिटी के हिसाब से बनाया भी नहीं जाता है, किसी बच्चे को खाना पड़ता है, किसी बच्चे को नहीं पड़ता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीहू देवी है, मेरे बच्चे का नाम प्रकाश कुमार है। क्या चाहते हैं कि या तो खाना बंद करवा दीजिए सबसे अच्छा है, क्योंकि खाना यहाँ से ढंग से कभी बनेगा नहीं, यहाँ का जो स्थिति है बंद हो जाए। ये तो कंटिन्यू पेपर हुआ है, मामला सर, ये कंटिन्यू हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हुआ, खाना बंद कर दिया जाए, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे बंद कर दिया, बच्चों घर से खाना खाने के कारण दिक्कत होता है। खाना देने की कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट करने की जो सिस्टम होता है वो सिस्टम है नहीं, लाइन पर खड़ा होकर खाना खाओ, 40 मिनट के टिफिन की जगह 1.5 घंटा टाइम वेस्ट होता है, बच्चों को पढ़ाई में इफेक्ट होता है कि नहीं? सर हमारे दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। किस स्कूल में? भवानी राव राघवनी कन्या मध्य विद्यालय, ये स्कूल में पढ़ते हैं सर। मैं कहाँ है ये सर? छोटे खंजरपुर संपत रोड पढ़ता है, ठीक है। हमारे सब दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हम जब काम कर से घर काम करके जब घर आए हैं तो बच्चे बोले पापा खाना में निकला कीड़ा निकला है, तो सर हम उसमें चमने लिए फिर कल रात में सर यही बात बोला बच्चा फिर से कि सर खाना में निकला कीड़ा। जब आए सर तो मुझे चला पता, जब मैं सबसे बात किए टीचर से बात की है, वो बोला कि हाँ निकला तो है, लेकिन हमको बोलने के लिए मना किया, हम नहीं बोल सकते ये बात। तो सर हमारे जो बच्चे का खाना जो कीड़ा निकल रहा है इस चीज को लेकर के हम लोग सब पूरा जितने पेरेंट्स हैं सब मिल करके आए हुए हैं, आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक दिन मिस्टेक हो सकता है, दो दिन मिस्टेक कैसे होगा सर? इसलिए सर उसका पूरा मेरे पास जो निकला है कीड़ा निकला उसका सर मेरे पास फोटो भी है, उसका पूरा सर रखा हुआ है मेरे पास में। एक बात सर, हमारे बच्चे ऊपर क्या प्रभाव होगा सर, ये हम सवाल करना चाहेंगे तमाम लोगों से, जो हमारे केवल बच्चे नहीं बल्कि हर एक लोगों से, यदि यही खाना यदि उन लोग के बच्चे खाए तो क्या होगा, क्या देंगे वो खाने, ऐसा खाना खाने के लिए? एक पदाधिकारी आए थे, वो बोलते गए थे कि आए थे तो कल कीड़ा निकला था सर खाना में, वही स्कूल में हल्ला हुआ, तो वो बोल के गए थे कि हम लोग की क्लास में आए थे तो बोले जो भी खाना मिले
एक करके बोले थे जो खाना मिले आदमी बस खा लिया था, उनका नाम आनंद भी था। आनंद भी था। तुम्हारा नाम? तो हम लोग बोले कि बच्चा लोग मतलब वही चर्चा कर रहा कीरा है कीरा है, तो आपने देखा? हम बोले नहीं देखा, इसीलिए बच्चा खाना खाने घर चला गया, नहीं लगा पाए क्लास। और वही सुबोध सर हैं, वो बोले कि खाना में कीड़ा निकल गया सर, इसीलिए वो जो ऐसा बोले न, बोले कि जब मैडम आप देखी हैं हमसे पूछा गया, हम बोले नहीं नहीं दिखाया बच्चा, तो जब दिखाया नहीं गया इसका मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं मिलाए। उसके बाद ऑफिस में बोले कि आप ये बोल रहे थे कि कीड़ा निकला है, गलत बोल रहे हैं, आप इसे लिख के दे दीजिए कि कीड़ा निकला है या नहीं निकला है। नहीं, लिख के दीजिए कि कीड़ा निकला नहीं है, इन्होंने मिलाया है, इसलिए ये कह रहे हैं। किन के ऊपर मिलाने का आरोप लगा? सुबोध कुमार कौन है? पूर्व प्रधान प्रधान। अच्छा, उन्होंने जबरदस्ती बोले लिखिए आपको लिखना पड़ेगा, वो ऐसा बोले हैं आपके सामने बोले हैं ना, कीड़ा नहीं निकला है, क्यों नहीं दीजिएगा? अब बच्चे एक तरफ दिखा रहे हैं कीड़ा की ये थाली में निकला हुआ है बोल रहे हैं, और आप परसों का जी कल की बात। अच्छा, मैंने लगातार ये सब कीड़ा का आके कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने देखा है, बोले तुम लोग जाओ, तुम लोग से नहीं पूछ रहे, हमको बोल रहे हैं कि आप ताला लगा के रखी थी, हाँ रखे थे, तो फिर कीड़ा क्यों निकला, कैसे निकला, इसका मतलब आपके टीचर दे रहे हैं उसमें।